Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. तो फ्रेंड्स, हमने रात को नाइट स्टे किया बालाकोट में. अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या मनाजिर है. मुझे नाम नहीं पता उस जगह का, तो किसी भाई ने मुझे बताया. अभी हम निकलेंगे, आपको सारी अपडेट देते रहेंगे. तो ये सामने मनाजिर हैं हमारी होटल के बाहर. ये हमारे दोस्त हैं जो बैठे हुए धूप खा रहे हैं. तो सामने ये सूरज और बड़े बड़े पहाड़, बड़ा दिलकश नज़ारा, बहुत ही इंजॉयमेंट वाला माहौल है. तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे. फ्रेंड्स, तो अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं नीचे. तो आज सारा दिन घूमने फिरने का है, तो आज जो भी चीज़ें हम देखेंगे आपको भी दिखाएँगे, आपसे शेयर करेंगे. तो सुना है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है जहाँ पर हम जा रहे हैं. तो मालम जब्बा में तो स्नोफॉल नसीब नहीं हुई, लेकिन ये कि यहाँ पे हो सकता है नसीब हो जाए. तो ये सारे मनाजिर हैं यहाँ के, पहाड़ी पहाड़, बड़े बड़े पेड़, सूरज सामने और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट. फ्रेंड्स, तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है. दो चार फ्रेंड्स आ गए हैं, लेकिन काफ़ी पेंडिंग में हैं, आने वाले हैं. भूख लगी है, नाश्ता करना है. अभी सुबह 6:30 बजे जाके रेडी होके हम बैठे हुए हैं. अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी हम नाश्ता करेंगे, कुछ ही देर में सारे लोग आ जाएंगे. तो ये मनाजिर है सामने हमारे रेस्टोरेंट, और ये सारे मनाजिर हैं रेस्टोरेंट के बाहर के. फ्रेंड्स, तो ये ब्यूटीफुल सीनरीज हमारे पास बालाकोट में. तो हमने नाश्ता अभी कर लिया, आफ्टर ब्रेकफास्ट अभी हम जाएँगे काफ़ी सीनरीज देखने के लिए. तो आज का सारा दिन हम घूमेंगे फिरेंगे, विज़िट करेंगे. तो काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हैं. आज हम इंशाल्लाह जाएंगे, आपको विज़िट करवाएंगे. तो कल रात तक जो हमने चीज़ें देखी वो आपको दिखाई. जी मुनीम भाई, एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त. अब तक जो हमारा ट्रिप जा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है. अच्छा अच्छा. इंशाल्लाह अब हम जो है जा रहे हैं आगे जो है सर्दी तो नहीं है, नाम किसी को पता नहीं है. तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे सिंध में हमें डराया जाता है कि नॉर्दर्न एरियाज में इतनी गर्मी की सर्दी है. अच्छा अच्छा, हमें इतनी सर्दी फील नहीं हो रही. सही है, सही है यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जी शिराज भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. देख और शिराज भाई, आज का क्या प्लान है? आज सर इंशाल्लाह जाएंगे. इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें भी हैं वहाँ, वो भी विज़िट करेंगे. वाह वाह. और सुनने में ये आ रहा है कि ना -10 या -12 तक वे टेम्परेचर लाइफ से लोग हम चांसेस है. अच्छा अच्छा अच्छा. इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे ट्रिप को. आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है ट्रिप. व्लॉगिंग चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, व्लॉगिंग जा रही है. फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं सामने रेस्टोरेंट के, एक रिवर व्यू है, तो वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे विज़िट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे हमारे टूर की तरफ. फ्रेंड्स, तो अभी हम रिवर व्यू को देखने जा रहे हैं. बालाकोट में अभी मौजूद है, कुछ ही देर में निकलेंगे. काफ़ी मनाजिर हैं देखने के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत शहर है ये भी. काफ़ी रिवर्स भी हैं यहाँ पर, माउंटेंस भी हैं, तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है. फ्रेंड्स, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले ऊपर थे रेस्टोरेंट में, अभी हम नीचे आ रहे हैं पानी देखने के लिए. तो अभी पहुंच गए हैं नीचे. तो ये सामने मनाजिर है दरिया के, बहता हुआ पानी, पुरकशिश माहौल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे, अमेजिंग व्यूज़, नेचुरल ब्यूटी. ये सारे मनाजिर हैं माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें. ग्लेशियर से पानी आता है और यहाँ पर जाता है, पूरे पाकिस्तान को कवर करता है. बहुत ही ठंडा पानी होता है, इसमें अगर हाथ डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ हमारा कट गया है. बहुत ही ठंडा पानी होता है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर से सारे बर्फ़बारी का माहौल है, वहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है नीचे. तो ये कोई फेक आवाज़ नहीं है, ये रियल आवाज़ है पानी का बहने का. तो अगर गलती से भी कोई सामने आ जाए तो पानी उसको लेके जाएगा, इतना पावरफुल पानी होता है, बड़ी ताकत होती है इसमें. जी शिराज भाई, इंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय हो रहे हैं. तो हमने पानी देख लिया, अभी हम जाएँगे इंशाल्लाह काफ़ी प्लेसेस विजिट करने के लिए. सर आमिर भाई, क्या खैरियत? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है. आमिर भाई, क्या प्लान है आज का? सर प्लान है श्रीपाय जाने का. अच्छा, अभी शुगरान के लिए निकल रहे हैं, कि भाई के लिए ऊपर शुगरान जाएंगे. और शुगरान जो है कि पाकिस्तान की टॉप 10 में से द मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन में से 5वें नंबर पर है माशाल्लाह. और श्रीपाय, ये इस सीरीज़ में सिर्फ 3 ऐसे पहाड़ हैं जो कि वाइट होते हैं, बाकी उसके सराउंडिंग में सारे पहाड़ ब्लैक होते हैं. ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल, एक उस पर एक रहमत सी है, एक ब्यूटी बनाने की, एक छोटी वैली बनाने की अल्लाह की अता है. यहाँ पे क्रिएटिविटी ऐसी है, बाकी सारे पहाड़ों पे कहीं भी बर्फ़ नहीं गिरती. अच्छा, बीच में 3 पहाड़ उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है, जो कि हम देखने जा रहे हैं अभी. तो सर अभी सफ़र कितना है, कितने घंटे लगेंगे? 30 मिनट के भाई जाएंगे, कि भाई से ऊपर फिर 2 घंटे तक हम सीरी तक पहुँचेंगे, पाए तक पहुँचेंगे, फिर सीरी हम हाइक करके ऊपर. ठीक है सर. मरूसा, आज का क्या प्लान है? आज हम जाएंगे पहले किवाई तक, फिर हम वहाँ वाटरफॉल देखेंगे किवाई का,
अच्छा वहाँ से जाएंगे 4x4 में शोरान सिरिपाए और दुआ है कि अल्लाह करे स्नोफॉल मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो सफर कैसा गुजर रहा है आपका, थकावट हुई होगी? कमेंट्स में लास्ट में करूंगी। ठीक है ठीक है, व्लॉग में कमेंट कीजिएगा कि कैसा सफर गुजरा। सब्सक्रिप्शन के बाद ओके फ्रेंड्स, तो हमारी गाड़ी में सामान लोड हो गया, अभी हम निकलेंगे शोगरा वैली की तरफ। तो सारे फ्रेंड्स रेडी है, नाश्ता भी कर लिया है सबने। ये सारे फ्रेंड्स अभी वेटिंग में है कि गाड़ी कब निकलेगी। तो ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है, सामान लोड हो रहा है, अभी जैसे ही सामान लोडिंग हो जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह निकल लेंगे भाई। वहाँ पे हाइकिंग भी होगी और इंशाल्लाह ऑफ रोडिंग भी है, तो जीप्स में राइडिंग करेंगे, ड्राइविंग करेंगे, बहुत इंजॉयमेंट है। आज का दिन जो है बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो चांसेस ये भी हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। तो हमने अभी स्टॉप किया है सिवाय वाटरफॉल पे, तो ये बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, सामने बड़े बड़े पहाड़ ये फ्रेंड्स। तो ये है किवाई वाटरफॉल, तो ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है और ये सामने कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, यानी पानी के दरमियान एक रेस्टोरेंट है, एहसानिया होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट बनी हुई है जो पानी के बीच में है। तो पहाड़ों से ग्लेशियर से पानी आता है और लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं पानी के माहौल में। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, टूरिस्ट हैं सारे। ये नीचे पानी है, सारा पानी है, ऊपर से आ रहा है ये पानी बहता हुआ, और ये आप देख सकते हैं ऊपर से पानी आ रहा है बड़े प्रेशर से, और हर बंदा यहाँ पे बिजी है, इंजॉयमेंट चल रही है, पुरसकून माहौल है। कलीम सागर साहब हमारे साथ है, कलीम भाई कैसे हैं, खैरियत से? इंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को? बहुत इंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल सर, ये सारे मनाजिर है सामने जी। कुराई साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, भाई साहब कह रहे हैं अभी हम नहीं बात करेंगे जी। मुनीर भाई कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मजा आ रहा है मुनीर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें पानी कितने प्रेशर से आ रहा है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट बनी हुई है, किवाई वाटरफॉल इसको कहा जाता है। काफी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अट्रैक्टिव प्लेस है, काफी इंजॉयमेंट का माहौल होता है, पुरसकून माहौल, सिर्फ पानी पानी के दरमियान रेस्टोरेंट बनी हुई है, बड़ा पुरसकून माहौल है। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रश होती है, स्लोपी स्टाइल में रेस्टोरेंट बनी हुई है। कैसे हैं, खैरियत से? नाम क्या है आपका? अच्छा, ये तो यहाँ पे लोग बहुत आते होंगे, बहुत आते हैं, किवाई वाटरफॉल के नाम से मशहूर है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और सब खैरियत है, ठीक ठाक? थैंक यू सर, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। जी तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं किवाई वाटरफॉल पे। तो फ्रेंड्स ये फ्रंट से केवाई वाटरफॉल ऐसे दिखता है, ये पानी का प्रेशर देखे। तो ये सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, रेस्टोरेंट पे लोग बैठे हुए हैं, बड़ा पुरसकून माहौल है इंजॉयमेंट का। फ्रेंड्स तो आज हमने विज़िट कर लिया केवाई वाटरफॉल को, तो अभी हम जाएंगे वापस बस की तरफ, तो ऊपर और भी लोकेशन से वहाँ पर जाएँगे। तो हमारे फ्रेंड सामने खड़े हुए हैं, उदास सलीम मुस्तफ़ा सर, क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक? इंजॉय कर रहे हैं सर वाटरफॉल्स में? बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, पुरसकून माहौल, ठंड है, जन्नत है, जन्नत बिल्कुल, जन्नत बिल्कुल। की वादियाँ हैं, जन्नत की वादियाँ हैं, और लोग भी माशाल्लाह जन्नत ही है, जन्नत ही है ना, सिंधी हम जनाना सांग मरिया, वाह जी वाह, मारे मारे शरीफ, माशाल्लाह, थैंक यू दा सलीम भाई। तो ये फ्रेंड सामने मनाजिर हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, और नीचे पानी का रेस्टोरेंट।